कोटा नगर विकास न्याय ने दादावाड़ी के केशवपुरा चौराहे तक बने फ्लाईओवर में ड्रेनेज का कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है। साथ ही फ्लाईओवर ड्रेनेज कार्य में नगर विकास न्यास के अधिकारी और ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही। इकबाल मोर्चा प्रमुख मोहब्बत हुसैन ने अधिकारियों से मामले में शिकायत की है। हुसैन ने बताया कि फ्लाईओवर में ड्रेनेज कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। मोहम्मद हुसैन ने कहा कि विज्ञान नगर से आईएल चौराहे तक बने फ्लाईओवर को 9 वर्ष हो गए, इसी तरह केशवपुरा फ्लाईओवर को बने हुए 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन फ्लाईओवर ड्रेनेज का काम अब तक पूरा नहीं किया गया। केशवपुरा से लेकर के जो फ्लाईओवर बनाया गया, इसी तरीके से एक फ्लाईओवर विज्ञान नगर में 9 वर्ष पहले बनाया गया था। इन दोनों फ्लाईओवर के नीचे ड्रेनेज का कार्य पूर्ण नहीं किया गया। इस विषय को लेकर 1 महीने पहले यूआईटी सचिव महोदय को मैंने पत्र लिखा था, पर इस मामले में अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसी विषय में आज उनसे मिल करके व्यक्तिगत पूरे मामले से अवगत कराया है और उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है कि मामला गंभीर है। 9 साल बीत जाने के बाद भी फ्लाईओवर के नीचे काम नहीं किया गया। इसी तरीके से केशवपुरा फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया, उसके नीचे भी ड्रेनेज का कार्य नहीं हुआ। इस पर संज्ञान लेकर उन्होंने कार्य को पूरा कराने का भी आश्वासन दिया और उसमें जिन अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत या लापरवाही रही उन पर भी संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।